हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नाइट्रॉक्स। लेके आए बड़ी खबर। खबर ये है कि क्रैप्टन, जो कि पबजी की पैरेंट कंपनी है, उसने हमारे प्यारे गेम फ्री फायर जो करीना है उसकी कंपनी पे केस किया है। तो आइए करते हैं संबंध में बात। फ्रेंड्स, इंट्रो के बाद आपका दोबारा स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रोस के लिए। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, क्रैप्टन जो कि पबजी की पब्लिशिंग कंपनी है, उसने अभी अभी फ्री फायर पे यानी गैरेना के ऊपर केस किया है कॉपीराइट का। और ना सिर्फ गैरेना पे उन्होंने केस किया है, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे, कि इन दोनों कंपनी ने, मतलब गूगल और एप्पल ने, एक क्लोन ऐप, मतलब उसके जैसे कई ऐसे क्लोन ऐप है, उनको प्रमोट किया है और यूजर्स तक पहुंचाया है। ठीक है, इसलिए उनका यहाँ पे इनके ऊपर भी केस लगा है। साथ साथ इन्होंने यूट्यूब पे भी केस कर दिया है। ये तो बिल्कुल बचकानी से हरकत कर दी है। यूट्यूब कोई गेमिंग कंपनी तो है नहीं। ठीक, तो उनका ये कहना कि यूट्यूब पे भी इसके वीडियो नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि क्लोन ऐप से। ठीक, और जो ओरिजिनल है वो पबजी ही है। उसके बाद अब मेरे को ये समझ नहीं आता, क्रैप्टन अभी 4.5 साल से क्या सो रहा था? मतलब फ्री फायर का है भाई, 4-4.5 साल तो हो चुके हैं, तब से क्रैप्टन क्या कर रहा था भाई? क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? नहीं ना, अब पता नहीं क्या हुआ, अब जाके उसकी नींद खुलती है। उसके बाद यहाँ एक और चीज़ उसका कहना है कि हमारा गेम पहले तो मेरे को ये बताइए कि जो मोबाइल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर सबसे पहला बैटल रॉयल कौन सा था? That was Free Fire, जो 2017 में मोबाइल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुआ था। उसके पहले तो PUBG देखा जाए तो PC गेम था। और यहाँ PC और मोबाइल गेम के बीच की हम बात कर रहे हैं, तो मोबाइल गेम के ऊपर टॉपिक चल रहा है, तो Free Fire कैसे इसका कॉपी हुआ? ठीक, और PUBG मोबाइल उसके एक साल बाद आया था, जहाँ तक मुझे याद है 18 में। ठीक, सो यहाँ तो कहीं से कहीं तक सवाल उठ नहीं रहा, तब क्रैप्टन जो है ये कैसे सकता है? इसके अलावा एक चाइनीज मूवी है कुछ व्यू 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 ऐसे करके, उसके ऊपर भी इन लोगों ने यहाँ पे कॉपीराइट का थप्पा मार दिया। बोले कि इस मूवी में भी सब कुछ पबजी की चीज़ दिखाई गई है, यानी बैटल ग्राउंड की चीज़ दिखाई गई है बिना हमारी परमिशन के। तो क्रैप्टन कहाँ से कहाँ तक सही है ये तो चलो अब केस जाता है USA की कोर्ट में। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। और अगर कोई पबजी या BGMI का यूज़र इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड। ये लड़ाई इन दोनों कंपनीज के बीच में है, ना कि हम गेमर्स के बीच में। हम सब गेमर्स हैं, एक दूसरे के प्लेटफॉर्म की हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। पर जो कुछ भी किया है, क्योंकि बहुत से यूज़र ऐसे होते हैं कि दोनों गेम भी खेलते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, और मैं नहीं चाहूँगा कि एक गेम दूसरे गेम के पीछे कुछ नीचा देखे या इस तरह की यहाँ पे छोटी मोटी मेंटलिटी की मतलब प्रॉब्लम आए। अब सीधी सी बात है, ये जो क्रैप्टन का लिया हुआ स्टेप है, सीधे से एक लगता है कि बचकानी सी हरकत की गई है। यानी अभी 4-4.5 साल बाद इस पर नींद खुल रही भैया कि मेरा कॉपी होगा। तब तक भाई साहब कहाँ सो रहे थे? तो सीधे सीधे ये जलापे की निशानी दिख रही है। आपकी क्या राय है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन।